हमारे साथ बहुत तरह से शोषण होता है, कस्टमर भी इतना शोषण करते हैं, हत्याएं होती रहती हैं। और हत्याओं के अंदर तो ये है कि ये KYC करते नहीं है कस्टमर की, और वो मार के चला जाता है, उसके बाद ये डाटा उड़ा देते हैं उसका। हाँ, और ये बात सही कही आपने। कस्टमर मेरे साथ हुआ है, ये घटना मेरे साथ हुई है। चेक करने के लिए मैंने ऐसा किया, ओला में कॉल कर दी, मंगा ओला कहती है कि हम ड्राइवर का इंश्योरेंस करते हैं, मंगा देखता हूँ। मैंने कॉल करी ओला कस्टमर केयर पे, तो कॉल करी तो वो मैंने कहा जी ऐसे ही बोल दिया मैंने झूठ, मंगा जी ड्राइवर का मर्डर हो गया, ये कहते ही उन्हें फ़ोन कट कर दिया। तो उन्होंने, उनके पास नंबर तो होता ही है, नंबर पहुंच गया मेरा, उससे गाड़ी सर्च कर लेते तुरंत, तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। दोबारा कॉल करी मैंने, मगर सर ड्राइवर का मर्डर हो गया, बोले आपकी गाड़ी का नंबर क्या है माँ ये, तो उसने एक सेकंड में डेटा उड़ा दिया, बोले ये गाड़ी तो हमारे पास चलती ही नहीं है। तो मैंने उस दिन हो मंगा, ये तो बड़ी बेकार कंपनी है, कोई भी ड्राइवर मर्डर हो जाए तो या कुछ भी हो जाए, कस्टमर के साथ भी कुछ हो जाए, तो जब ड्राइवर का डेटा उड़ा दिया कस्टमर का भी उड़ा सकते हैं वो, तो इसलिए एकदम सिक्योरिटी के मामले में बेकार कंपनी है, बेकार एकदम। ये कंपनियां डाटा उड़ा देती हैं ताकि ये बच जाएं कि हमें कोई मुआवजा ना देना पड़े, कोई जवाबदेही ना हो इनकी, इसलिए सरकार क्या दखल देगी। सरकार तो खुद पैसे खा के बैठ गई है, मोटे मोटे पैसे खा के बैठ गई हैं, इसलिए वो बोलते नहीं है। नहीं जी, कोई सहायता नहीं करती कोई भी, बिगर लाइसेंस के कैसे कोई चल जाएगी। हमें तो एक बिगर लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाने देते, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां के इनको दिख नहीं रही हैं। अगर वो ईमानदार हैं तो ईमानदारी से हमारे साथ भी, हमारे हम लोगों को भी देखें ना ड्राइवरों को। कोई ये तो कहेगा नहीं कि मैंने खाया है, मैं अगर किसी का पैसा खाऊंगा तो मैं ये तो कहूंगा नहीं कि मैंने खाया, मैं तो यही कहूंगा ना कि मैंने, मेरे को कोई साबित करके दिखा दे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तमाम लोग बैठे हैं। ये सभी ओला उबर जैसे जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, राइड देती हैं, उनके ड्राइवर हैं, वो गाड़ी चलाने का काम करते हैं। क्या हुआ, किन मांगों के साथ आप यहाँ पर आए हैं? देखिए जी, ऐसा है कि आज ड्राइवर का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। किस तरीके से, क्या शोषण हो रहा है? इनको एक तो रेट नहीं मिल पाता, ये समस्या ये है। हम ये चाहते हैं कि सरकारी रेट मिलना चाहिए, और जो आज महंगाई को देखते हुए कम से कम 25 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी वाले को मिलना चाहिए, जबकि जो प्राइवेट जो जितनी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 रुपये पर किलोमीटर ड्राइवर के हाथ में आता है। आप चाहते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपये का कुछ ऐसा रखा जाए? जी मैडम, क्योंकि आज बहुत महंगाई हो चुकी है, सरकार तय करे इन चीज़ों को। जी जी जी, सरकार को तय करना चाहिए और हमें मिलना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे दिल्ली में ऑटो को हाल्ट एंड गो प्लेस मिले हुए हैं, वो कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं, उनको 7 से 8 ऑटो खड़े हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार टैक्सी को भी उनको हाल्ट एंड गो प्लेस मिलने चाहिए कि उनका एक ठिकाना बन जाए, सवारी वहाँ पर आए और उनको हायर कर सके। हाल्ट एंड गो सब पूरी दिल्ली में टैक्सी वालों को मिलना चाहिए। तीसरी मांग हमारी है जो MCD टोल है, MCD टोल टैक्सी जितनी बार क्रॉस करेगी उतनी बार 100 रुपये कटता है उसका, तो 24 घंटे में एक बार टैक्स कटना चाहिए जो 100 रुपये जो MCD टोल है। अगली बात है कि हमारी जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, जो टैक्सी का काम खा गई सारा, प्राइवेट गाड़ियां जी इतनी टैक्सी हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो टैक्सी से ज़्यादा चल रही हैं। प्राइवेट गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ थोड़ा विस्तार, पर्सनल नंबर गाड़ियाँ होती हैं, जो पर्सनल नंबर गाड़ियाँ होती हैं वो आज टैक्सी में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वो टैक्सी का काम करती हैं, हैं प्राइवेट, तो टैक्सी वालों का काम वो खा गए हैं। आज वो जहाँ पे भी चलते हैं कुछ मंथली वगैरह दे के सेटिंग ही अपनी चला रहे हैं वो, ठीक है, तो इनको बंद किया जाए जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं टैक्सी में। अगली बात है जी, आजकल हर जगह देख लो कितनी हत्याएं हो रही हैं ड्राइवर की, कोई भी हायर करता है गाड़ी और जाके ले जाके ड्राइवर को मार देते हैं। कस्टमर की जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, कस्टमर की KYC होनी चाहिए ताकि कुछ सिक्योरिटी मिल सके ड्राइवर को, इनकी हत्याएं होनी बंद हो जाएं। अगला है जी ये कि हम ये चाहते हैं, हमें एक सरकार, टैक्सियाँ तो बेची जा रही है, इनको परमिट दिए जा रही है, लेकिन इनको काम कहाँ से मिलेगा? इनको काम चाहिए, चाहिए तो इसका मतलब यह है कि सरकार को एक सरकारी ऐप बनानी चाहिए जिसके ज़रिए इनको काम मिल सके। हमारी ये 7-8 शर्तें हैं, ये
अगर सरकार हमारी मान ले तो। पेट्रोल डीजल जो है बहुत महंगा है, इसका असर आप पर भी पड़ता है और आप पर पड़ता है, तो क्या कंपनी उसके लिए कोई आपको छूट देती है, किसी तरीके की सहायता करती है? नहीं जी, कोई सहायता नहीं करती कोई भी। हाँ। केवल ड्राइवर जो ड्यूटी करता है, जैसे मान लो अगर 100 रुपये की राइड की है, एक बात है फॉर एग्जांपल 100 रुपये की राइड की, उसमें से 40 रुपये कंपनी काट लेती है, 60 रुपये ड्राइवर के हाथ आता है, यानी कि 40%। ये कोई मतलब थोड़ा ही है, कस्टमर से पूरे लिए ले रही हैं लेकिन ड्राइवर को नहीं दे रहे। रेट बढ़े लेकिन हमारे रेट नहीं बढ़े जी। मैडम डीजल पेट्रोल के सब चीज़ के रेट बढ़े हैं, सीएनजी के भी रेट बढ़े लेकिन हमारे रेट कभी नहीं बढ़े। हमारे रेट आज भी वही हैं जो 10-12 साल पहले। पेट्रोल डीजल जो भी होता है आप भरवाते हैं, ठीक है, राइड महंगा हो जाता है, राइड जो ग्राहक आ रहा है वो महंगा पे करता है, उसमें आपको कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं है, और इन कंपनियों का कोई भरोसा नहीं है। ये 80% लेती हैं, 20% लेती हैं, इनका कोई पता नहीं है, इनका कोई फिक्स नहीं है। कहने को कहती हैं 20%, लेकिन लेने को 80% भी ले लेती हैं। कई बार हमारे साथ हुआ, 500 रुपये का राइड में फेयर बना, उसमें से 150 रुपये हमें दिए, 350 खुद लिए। आप खुद सोचिए उसमें कितना हुआ। कोई लिमिटेशन तय नहीं है कि इतना लेंगे? इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है और ना कोई रेट है। इतने परेशान हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं क्योंकि रेट ही नहीं है, कुछ घर चल नहीं रहे, खर्चे नहीं चल रहे, गाड़ी की किस्तें नहीं जा रही हैं, क्या करेंगे? गाड़ी के टायर सबके देखो, सबके टायर पुराने पड़े हुए हैं, हम पुराने टायर ले लेके गुजारा कर रहे हैं। कस्टमर से पैसे लेते हैं और ये सारे कंपनी अपने आप ले लेती है, हम लोगों को देती ही नहीं, इनका कोई परसेंटेज का हिसाब ही नहीं है। सरकार इसमें कोई दखल नहीं देती? सरकार क्या दखल देगी जी, सरकार तो खुद पैसे खा के बैठ गई है, मोटे मोटे पैसे खा के बैठ गई हैं, इसलिए वो बोलते नहीं है। अगर उनको पैसा मिल गया तो वो मुंह कैसे खोलेंगे? वरना पैसे किस बात के लिए, सरकार को किस बात के लिए कौन पैसे दे रहा है? सरकार को कंपनियां पैसे दे रही हैं, ओला या उबर या इन ड्राइवर, ये सब पैसे दे रहे हैं। तभी तो अगर बिगर लाइसेंस के कैसे कोई चल जाएगी? हमें तो एक बिगर लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाने देते, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां के इनको दिख नहीं रही हैं। हाई कोर्ट इनको नोटिस दे चुका है कि आप इनके लिए कुछ करो, स्कीम लाओ, टैक्सी स्कीम थी 2017 उसको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन ये कोर्ट की भी नहीं सुनते हैं, कोर्ट की बात को भी डिनाई कर देते हैं। ये सरकार कहती है कि हम ना खाते हैं ना खाने देने वाली सरकार है, सबसे पवित्र सरकार है। देखिए मैं मोदी जी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मोदी जी इस नीचे वाले लेवल पर नहीं है, वो हाई लेवल पर है। ये आप किसके बारे में कहेंगे, किससे आपकी मांगे? हम तो जो कैलाश गहलोत जी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और एक नितिन गडकरी जी हैं, हम इनको बोलना चाहेंगे क्योंकि इन्हीं के अंडर हमारा सारा ट्रांसपोर्ट आता है, तो ये हमारी मांगों को सही करें और रेट को बढ़वाएं ताकि हम भी अपना घर परिवार आराम से चला सकें। ये ना हो कि हम रोड पे, हम यहाँ किस लिए मजबूर। नितिन गडकरी कहते हैं कि सबसे अच्छा काम क्या है, मैंने अगर एक भी रुपये का घोटाला या एक भी गलत काम दिखा दिया तो इसी समय इस्तीफा दे दूंगा। अगर वो ये ऐसा कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारी तरफ भी ध्यान दें, हम तो यही कहेंगे। अगर वो ईमानदार हैं तो ईमानदारी से हमारे साथ भी, हमारे हम लोगों को भी देखें ना, ड्राइवरों को। ड्राइवर बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, हम क्यों बैठे हैं? वरना यहाँ बैठने की हमें ज़रूरत क्या थी, अगर नहीं तो काम कर रहे होते अच्छे भले, दो पैसे कमा रहे हो। कह रहे कंपनियों ने पैसा दिया है सरकार को, बिल्कुल दिया है। किसने खाया है पैसा, जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है? अब देखिए कोई ये तो कहेगा नहीं कि मैंने खाया है, मैं अगर किसी का पैसा खाऊंगा तो मैं ये तो कहूंगा नहीं कि मैंने खाया, मैं तो यही कहूंगा ना कि मैंने, मेरे को कोई साबित करके दिखा दे। लेकिन जब साबित हो जाता फिर ये जेल में पड़े होते हैं, ये तो बाद में ही साबित होगा किसने क्या खाया कौन सी। जब ये सरकार जाएगी तो दूसरी सरकार आएगी, वो इनके चिट्ठे खोलेगी, ऐसा ही होता है। पर किस तरीके से जो है शोषण होता है आपके साथ? हमारे साथ बहुत तरह से शोषण होता है, कस्टमर भी इतना शोषण करते हैं, कस्टमर अपनी मर्जी से कहते हैं। ये हत्याएं भी ड्राइवरों के बराबर हत्याएं होती रहती हैं, और हत्याओं के अंदर तो ये है कि ये KYC करते नहीं है कस्टमर की, और वो मार के चला जाता है, उसके बाद ये डाटा उड़ा देते हैं उसका। हाँ, और ये बात सही कही आपने, कस्टमर को इसका डाटा, कस्टमर का, ड्राइवर मेरे का साथ हुआ है, ये घटना मेरे साथ हुई है। क्या हुआ? काफी दिन पहले ओला में गाड़ी चलाते थे हम, तुम उस टाइम मेरे पास ड्यूटी आई, कैंसिल होगी, फिर आई, फिर कैंसिल हुई, तीसरी ड्यूटी फिर आई, तो कस्टमर से बात हुई, तो कस्टमर बोला इस गली में आ जाओ, उस गली में गड्ढे थे, मगर सर आप गली से बाहर आ जाओ, मैं आपका पिकअप कर लेता हूँ। बोला नहीं आप अंदर आओ, तो वो भी कैंसिल होगी। तो जी मेरा दिमाग ख़राब हो गया, 3 ड्यूटी कैंसिल होगी। तो मैंने वैसे ही
ओला में कॉल कर दी। मगा ओला कहती है कि हम ड्राइवर का इंश्योरेंस करते हैं, मगा आज देखता हूँ। मैंने कॉल करी ओला कस्टमर केयर पे, तो कॉल करी तो वो मैंने कहा जी ऐसे ही बोल दिया मैंने झूठ, मगा जी ड्राइवर का मर्डर हो गया। ये कहते ही उन्हें फ़ोन कट कर दिया नंबर से। आपने चेक करने के लिए ऐसा किया? हाँ जी, आपने चेक करने के लिए ये फोन किया? चेक करने के लिए मैंने ऐसा किया, तो उन्होंने उनके पास नंबर तो होता ही है, नंबर पहुंच गया मेरा, उसे गाड़ी सर्च कर लेते तुरंत, तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। दोबारा कॉल करी मैंने, मगर सर ड्राइवर का मर्डर हो गया। बोले आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? मैं ये, तो उसने एक सेकेंड में डेटा उड़ा दिया, बोले ये गाड़ी तो हमारे पास चलती ही नहीं है। तो मैंने उस दिन हो मंगाई, ये तो बड़ी बेकार कंपनी है। कोई भी ड्राइवर मर्डर हो जाए तो, या कुछ भी हो जाए, कस्टमर के साथ भी कुछ हो जाए, तो जब ड्राइवर का डेटा उड़ा दिया, कस्टमर का भी उड़ा सकते हैं वो, तो इसलिए एकदम सिक्योरिटी के मामले में बेकार कंपनी है, बेकार एकदम। कोई ओला ने किया, ओला ने मेरे साथ किया जी, मैं बताता हूँ। एक के साथ नहीं मैडम, बहुत ड्राइवरों के साथ ऐसा हुआ जी, बहुत से ड्राइवर जो मरे हैं उनका डाटा उड़ा दिया गया कस्टमर का, ताकि ड्राइवर का और कस्टमर का दोनों का, ताकि तो मान लीजिए इन्होंने चेक करने के लिए सारा प्रैंक किया, प्रैंक मान ले, तो इन्हें पता चल गया, इसी धोखे में तो वो मर जाते हैं। ये तो पता लगा है, जो ड्राइवर मर गए हैं उनका डाटा नहीं मिला वहाँ पर। वो कहते हैं ये ड्राइवर हमारी एक गाड़ी हमारी कंपनी में चल ही नहीं रही है, ये ड्राइवर हमारे साथ काम ही नहीं कर रहा है। तो गाड़ी का मालिक तो होता होगा, मालिक से पूछताछ, उसकी पड़ताल। ये ड्राइवर चला रहा है, मालिक खुद चला रहा है वो, तो वो खुद ही चला रहा है, तो मर गया और इन्होंने डाटा उड़ा दिया, तो क्या करेगा आदमी? ये कंपनियां डाटा उड़ा देती हैं ताकि ये बच जाएं, कि हमें कोई मुआवजा ना देना पड़े, कोई जवाबदेही ना हो इनकी, इसलिए ये डाटा उड़ा देते हैं। सरकार से क्या कहेंगे इन चीज़ों के बारे में? सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो इनकी KYC की जाए, सब कस्टमर्स की KYC में ये होगा कि पता लगेगा कौन है कौन नहीं है, और इनके ऊपर दबाव रखा जाए ताकि ड्राइवर परेशान ना हो, जवाबदेही हो इनकी। अगर कोई ड्राइवर मरता है उसको कुछ कंपनसेशन मिले, ताकि उसका परिवार जो पीछे रह गया है उसका घर परिवार चल सके किसी तरह, ये होना चाहिए। सीधा आपने सुना किस तरीके से जो है फ्रॉड हो रहा है, जानलेवा हमले हो जाते हैं, लेकिन कहानी बताई उन्होंने कि ड्राइवर की हत्या हो जाती है और तुरंत ही अगर पता चले तो ये कंपनी उनकी सारी हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, सीधे बोल देंगे कि हमारे पास तो ये गाड़ी, इस नंबर की गाड़ी चलती ही नहीं है, हम इसे जानते ही नहीं हैं। इस तरीके का इतने बड़ा धोखा होता है, कोई किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशन तय नहीं है, जितना शोषण चाहे कंपनी इनका कर सकती है। सरकार को इसमें दखल देनी चाहिए, सरकार, यही जनता जो है सरकार बनाती है और सरकार से उम्मीद लगाती है कि इनका देखभाल जो है सरकार के हाथों में है, तो सरकार को दखल देनी चाहिए और जानना चाहिए कि कौन कितना शोषण कर रहा है और कौन कितना सुखी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।